तो महासभा के ट्रेलर की हम बात कर रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, 15 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। लोकसभा की सभी 4 सीटों पर मतगणना चल रहा है, काउंटिंग चल रही है। विधानसभा की 11 सीटों पर भी वोटों की गिनती जारी है। कैराना लोकसभा सीट से आरएलडी के प्रत्याशी आगे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कैराना, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी है, वहां से आरएलडी के प्रत्याशी आगे। महाराष्ट्र के पलूस कड़े गांव से कांग्रेस की जीत हुई है, निर्विरोध उनके उम्मीदवार विश्वजीत कदम चुन लिए गए हैं। तो 15 सीटों पर वोटों की गिनती जारी और ट्रेंड भी शुरुआती बहाने शुरू हो गए हैं। लोकसभा की 4 सीटों पर मतगणना का काम चल रहा है, विधानसभा की 11 सीटों पर भी वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती ट्रेंड कहीं न कहीं परेशानी बढ़ाने वाली बीजेपी की, क्योंकि आरएलडी के प्रत्याशी, जहां कैराना की बात हो रही है, पूरे देश की नजर टिकी है, वहां पर वो इस वक्त आगे बताई जा रही है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जोकीहाट बिहार, वहां से आरजेडी का उम्मीदवार आगे चल रहा है, यानी कि जो सत्ता पक्ष है उसके लिए शुरुआती ट्रेंड जो है वो असहज दिखाई पड़े, परेशानी का सबब बन सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, केसी पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, सुभाष यदुवंश बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले चलेंगे सुभाष यदुवंश जी के पास। सुभाष जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो शुरुआती ट्रेंड आ रहे हैं ये आपके लिए परेशानी बढ़ाने वाले, क्योंकि आरएलडी के उम्मीदवार जो है यहाँ पर आगे बताई जा रही है। देखिए, अभी न्यूज स्टेट में मैं देख रहा था आपके ही चैनल पर, तो वहां पर बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन चलिए अगर आपकी बात मान भी लेते हैं तो ये बहुत, देखिए ये अभी आगे पीछे होगा, हमारी और उनकी बात की बात नहीं है। फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, इस ट्रेंड के मुताबिक फिलहाल आपके उम्मीदवार जो है वो पीछे हैं। जी, तो मैं यही बता रहा था कि जब आप देखेंगे, जब अंतिम नतीजे आएंगे, तो कैराना की पूरी जनता इस बात को, विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के इस बार वोट की है, और कैराना की पूरी जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकारा है। धर्म के आधार पर जो लोग फतवे जारी करा रहे थे उनको नकार देगी। आप एक बार पूरा रिजल्ट आने दीजिए तो आपको दिखेगा कि किस प्रकार से गठबंधन की कमजोरी इस चुनाव में, ये वाटरलू साबित होगा 2019 का पूरे विपक्ष के लिए। और अगर यही ट्रेंड आखिर तक चलता रहा और नतीजे में तब्दील हो गया, फिर आप क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, केसी पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। केसी पांडे जी, यहां तो जो शुरुआती ट्रेंड है उसे कहीं ना कहीं मुस्कान आपके वो चेहरे पर आएगी, हालांकि संपर्क हमारा उनसे अभी नहीं हो पा रहा है, उनके पास आगे हम रुख करेंगे। लेकिन हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राहुल देव जी भी हैं। राहुल देव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो शुरुआती ट्रेंड आने शुरू हो गए हैं, कैराना सबसे ज्यादा नजरें जो है वहां पर टिकी हुई हैं, इस ट्रेंड को क्या आप कहेंगे, क्या ये अब आगे जो है ये कंसोलिडेट होता जाएगा, ऐसा भी माना जा सकता है? देखिए, ये अनुमान तो कोई भी नहीं लगा सकता कि आगे क्या होगा, बिल्कुल शुरुआती दौर है ये, और हम देख चुके हैं कर्नाटक के चुनाव में कि शुरुआती दौर उनसे बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए, जिनमें मैं भी शामिल था, लगा कि भाई वहाँ बीजेपी निकल गई, लेकिन अंत में सब पलट गया। तो अभी कोई अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं है, अभी तो हमें सिर्फ देखना है कि क्या क्या नतीजे आ रहे हैं, और 2-3 घंटे के बाद जब दो दौर कम से कम हो जाए, 2 या 3 दौर, तब कुछ अंदाज लगाने की बात समझ में। बिल्कुल, अंदाज जो है वो 2-3 घंटे के बाद जो है पूरी तरह से लगाया जा सकता है। लेकिन विनोद जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से गोरखपुर में और फूलपुर में झटका लगा था भारतीय जनता पार्टी को, अब ये शुरुआती ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई दिखाई पड़ रही है? देखिए, मैं भी राहुल जी की बात का ही समर्थन करूंगा, या वही बात कहूंगा कि अभी बहुत शुरुआत है, पोस्टर बैलेट हो गए होंगे और शायद पहले दौर शुरू से आगे रहते हुए जीत दर्ज करें तो वो भी बात अपनी, हाँ, होता भी, दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। कई बार जो शुरू से आगे चलता है वो आखिर तक आगे रहता है, और कई बार बाजी पलट भी जाती है, तो ये राज्यों के स्तर पर भी होता है और सीट के स्तर पर भी होता है। तो लेकिन जो सामाजिक समीकरणों की स्थिति है कैराना की, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं संयुक्त विपक्ष का पलड़ा भारी लगाने का अनुमान सारे विश्लेषक करते रहे हैं, हम सभी करते रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिस तरह से बागपत में जनसभा हुई, सरकारी सभा थी, लेकिन एक तरह से वो संदेश था कैराना के मतदाताओं को, एक उसकी भी एक कसौटी है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, तमाम सारे मंत्रियों ने वहाँ पर जोर लगाया, हुकुम सिंह की मृत्यु के बाद उनकी बेटी को टिकट दे के एक सहानुभूति फैक्टर भी, उसको भी कैश कराने की कोशिश की, उसको बनाने की कोशिश भाजपा ने की है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की भी कोशिश हुई है,
में, दूसरी तरफ वो जो सामाजिक जातियों का समीकरण है उसको बनाने की कोशिश विपक्ष ने की है। अब इसमें कौन भारी पड़ता है इसका पता तो अब दो तीन घंटे बाद ही पता लगेगा। हाँ ये सही है कि अभी जैसा कि आप बता रहे हैं शुरुआती दौर में तबस्सुम हसन अगर आगे चल रही है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है उनके आगे रहने। बिल्कुल, क्या विनोद जी ये भी कहा जा सकता है कि अभी जो है अगर कैराना में सेटबैक लगता है और 2019 की हम बात कर रहे हैं तो जब वो चुनाव होते हैं, जब पूरे स्तर पे देश भर में लोकसभा के चुनाव होते हैं और ये जो उपचुनाव होते हैं एक या दो सीटों पर, तो क्या यही ट्रेंड वहां पर भी देखने को मिल सकता है? क्या कहा जा सकता है कि यही अब फॉर्मूला जो है वहां पर बिल्कुल कारगर साबित हो सके? देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब बड़ा चुनाव होता है लोकसभा का या विधानसभा का तब बहुत सारे तथ्य और बहुत सारे फैक्टर्स मतलब कारक बदल जाते हैं और स्थिति ये होती है कि अभी तब प्रधानमंत्री भी प्रचार करेंगे, रणनीति बहुत बड़े स्तर की बनेगी। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि अगर कैराना बीजेपी हारती है, अगर लगा करके जो बहुत जल्दी कुछ भी कहना, तो एक संदेश जरूर जाएगा कि कैराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, फूलपुर बिल्कुल पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वो गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और फूलपुर मध्य उत्तर प्रदेश में है, यानी पूरब मध्य और पश्चिम तीनों लोकसभा सीटों पर हाल के 6 महीने के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसमें अगर बीजेपी को झटका लगा है तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात होगी। संयुक्त विपक्ष उत्तर प्रदेश में कड़ी चुनौती देगा 2019 में, इसका एक संदेश जाएगा। बिल्कुल, संयुक्त विपक्ष कड़ी चुनौती देगा 2019 में और फिर जो है उस हिसाब से रणनीति बनती हुई दिखाई पड़ सकती है। केसी पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी पांडे जी, अभी फिलहाल जो शुरुआती ट्रेंड्स हैं वो आपके लिए अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर आरएलडी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए जो स्थिति पूरे देश में हो रही है उसमें विपक्ष को आगे होना ही होना है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पिटारा जो है वो खुल चुका है, तो अब वो जनता जान चुकी है कि किसको वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी या 2019 का जो आपने कहा ट्रेंड, तो ट्रेंड बिल्कुल है उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल हो चाहे मध्य हो चाहे पश्चिम में आज यहाँ चुनाव हो रहा है। ये विपक्ष जिस प्रकार से आगे जा रहा है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो विपक्ष को एक होना ही होना है, पूरे देश स्तर पर बनेंगे विपक्षी एकता। तो ये सुभाष यदुवंश जी यहाँ पर अब केसी पांडे जी दावा करने लगे कि कुछ ऐसा ही अब आगे भी देखने को मिलेगा लगातार। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एकदम मिलेगा, हंसी आती है कि मतलब आप कांग्रेस को बधाई दे रहे थे, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेचर तक खारिज कर दिया, देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपना कैंडिडेचर खारिज कर दिया कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, ये पहली बात। दूसरी बात कि इनको चर्चा तक में शामिल नहीं किया, इनके एक किसी नेता ने कांग्रेस कार्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही बिना शर्त समर्थन मतलब हम कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करेंगे ऐसा घोषणा कर दी। इतना आत्मसम्मान से भी चुनाव पर आइए, चुनाव पर जो चुनाव हार रहे हैं देश के लिए, जो चुनाव हारे उस पर बात कीजिए, चुनाव पे भी आ रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बीएसपी के साथ और तमाम जो संयुक्त विपक्ष उसके साथ जो है रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं सुभाष यदुवंश जी, और आप कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो अलग ही गेम चल रही है। समाजवादी पार्टी सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी जब लोकसभा में हार करके परिवार तक सीमित हो गई, जो सत्ता के गलियारों में बैठी थी उसको हमने एक परिवार की चार दीवारी में सीमित कर दिया लोकसभा में, बात हो गई और विधानसभा में 40-45 सीटों पर सिमट गई। और सुनिए और बता रहे हैं इसके अलावा ये पूरे के पूरे लोग झूठ आ रहे हैं, बोल रहे हैं कर रहे हैं वहाँ पे कि कल को उन्हें बाजी में जनता रखना है कि नहीं रखना है, एक पैसे आपके साथ डीजल घटा रहे हैं इस तरह से, ये एक पैसे कल आपने पहले कहा 70 पैसे घटेगा और एक पैसे घटाने की यूटोपियन थॉट है आपकी, पोट पट्टी जान जो है विपक्ष का एक यूटोपियन थॉट है जो जमीन पर कभी नहीं उतरना है। आप मुझे बताइए कौन इनके आप प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने के कैंडिडेट होंगे, मायावती होंगे, ये इनके लिए ऐसी पहेली है जो कभी ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए जब मुद्दे की बात होती है तो यही जो लड़ाई होने लगती है और आम आदमी ठगा सा महसूस करता है। राहुल देव जी क्या कहेंगे यहाँ पर जब मुद्दों की बात आती है, अहम मुद्दों की बात आती है, आम आदमी के लोगों की बात आती है तो फिर इस तरह से लड़ाई होते हम दिखाई पड़ते हैं और यहाँ पर अपना सिर पकड़कर आम आदमी बैठा हुआ दिखता है? देखिए आम आदमी तो सिर्फ जुमलों में है अब, बाकी तो वो किसी की गणना में राजनीतिक पार्टी और चुनावों में कहीं आता नहीं है, सब केवल वोट बैंक के आधार पर सब होता है, हम सब जानते हैं, भारतीय राजनीति के जाने माने तत्व हैं।
तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और अभी देखिए किसी के लिए भी टिप्पणी करना बहुत कठिन है, तो वो जाहिर है कि वो इतिहास में जाएंगे, वो पृष्ठभूमि में जाएंगे, वो बहुत ही स्थानीय अति स्थानीय मुद्दों में जाएंगे, निजी मुद्दों पर जाएंगे, और वो जवाब आप उनसे क्या जवाब की अपेक्षा रखते हैं। तो अभी तो ये शुरुआती दौर के जब मतगणना होती है तो उसके खेल हैं, उसका मजा लीजिए, उसके हिसाब से ही लोग बोलते हैं। बिल्कुल नहीं विनोद जी, यहाँ पर क्योंकि कैराना की बात हो रही है और इसी पर देखा जा रहा है कि सभी पार्टियाँ हमलावर हो रही हैं, और कैराना इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी को लोकसभा में जितनी सीटें 2014 में मिली थी, अगर 2019 में इस तरह से नहीं मिलती है तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि कोशिश उसकी लगातार हो रही है कि यहाँ पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई दूसरी जगहों से, खासकर ईस्ट जो इंडिया है उन इलाकों से हो जाए, साउथ से हो जाए, और इसीलिए लगातार वहाँ ज़्यादा कोशिश देखने को मिल रही है। नहीं, अभी अभी एक आपके यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि 46 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार को भी बढ़त मिल गई है कैराना में जी। तो ये जैसा राहुल जी कह रहे हैं अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शुरू में चलेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी पिछड़ेगी या फिर हार जाएगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर 2019 के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि 2014 जैसा वो बहुमत आपको शायद ना मिले, उतनी सीटें ना मिले, फिर उसकी भरपाई दूसरे जगहों से करनी। देखिए बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती 2019 में ये तो है कि जहां जहां उसकी सीटें आई हैं, जो उसका गढ़ है जिसको माना जाता है, जो क्षेत्र उत्तर भारत खास करके, वहाँ उसको क्या उतनी सीटें वो अपनी रख पाएगी कायम, या उसमें जो कमी आएगी उसकी भरपाई कहाँ से करेगी। उत्तर प्रदेश में 73 सीटें, बिहार में 31 या 32 सीटें थी शायद मिलाकर एनडीए को, गुजरात में पूरी 26 सीटें, राजस्थान में पूरी 25 सीटें, मध्य प्रदेश में 27 या 28 सीटें थी, तो झारखंड में आप देख लीजिए, हरियाणा में 10 में से 9 सीटें, दिल्ली में 7 की 7 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें, उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें मिली, तो ये सारी सीटें बीजेपी की सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में है। ये सब मिलाकर के बीजेपी इनको 2019 में क्या कायम रख पाएगी, और अगर कायम नहीं रख पाएगी, कुछ कमी आती है, तो जो कमी आती है उसको कहां से पूरी करेगी, ये एक बड़ा चुनौती प्रश्न है। और ये प्रश्न हम लोगों ने अमित शाह जी से पिछले दिनों किया था, उनके जो 4 साल के जश्न में जो उन्होंने पत्रकारों को एक संवाद भोज दिया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए हमारा टारगेट है 120 सीटें और एडिशनल जोड़ने का, लेकिन हम 80 सीटें तो हम मान के चल रहे हैं जो हम जोड़ेंगे, ये उन्होंने अमित शाह जी ने कहा था। और उसमें उन्होंने पूर्वोत्तर को गिनाया, उन्होंने पश्चिम बंगाल कहा, उन्होंने कहा कि हम दक्षिण में जो है उड़ीसा को उन्होंने अपना एक प्रमुख माना, दक्षिण को, तो उन्होंने कहा कि 80 सीटें तो कम से कम, 120 का हमारा लक्ष्य है लेकिन 80 सीटें कम से कम हम बढ़ाएंगे। ये एक तरह तो ऐसा नहीं है कि वो कोई इससे बेखबर हैं, वो भी अपनी तैयारी के हिसाब से पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखिए उन्होंने संवाद कार्यक्रम शुरू कर दिया, संपर्क और संवाद, जिसके तहत जनरल सुहाग से मिलने अमित शाह जी खुद गए, अब सारे मंत्री जाएंगे, बड़े नेता जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2019 की लोकसभा की चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। नहीं है विपक्ष की, बिल्कुल बेखबर नहीं है। सुभाष यदुवंश जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। अब ट्रेंड थोड़ा बदला है, बढ़त मिल गई है आपकी कैंडिडेट को, क्या कहेंगे, अब थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर जरूर आनी चाहिए। पहले से ही है, देखिए पहले से ही है, और मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो लोग जैसे आकलन कर रहे हैं कि कम सीटें होंगी ज्यादा होंगी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे तब भी पूरे देश के पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि भाई अकेले कोई पार्टी इस देश में सरकार नहीं बना सकती, 2014 की बात कर रहा हूं, और उस समय लोग कह रहे थे कि मोदी जी के नेतृत्व में तो सरकार बनी नहीं सकती है। इन सब दावों को झुठलाते हुए, सभी पार्टियों के तमाम दावों को जमींदोज करते हुए, पॉलिटिकल पंडितों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की। और एक खास बात इसमें मैं आपको बताऊं, उस समय भाजपा का जितने प्रदेशों में शासन था उस समय, उससे 2 गुना से ज्यादा प्रदेशों में आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और इसके साथ जिस तरह 4 साल में भारत की छवि को प्रधानमंत्री जी ने बदला है, दुनिया भारत तो, ही नहीं दुनिया के नेताओं को तो बदला है, लेकिन कुछ परेशानियां जो हैं लोगों को है भी यहां पर, और आपकी जीत ज्यादा हुई है, आपकी कामयाबी ज्यादा मिली है, इसलिए चुनौती इन सीटों को बचाने की भी है। और इस बीच जो है फिर से ट्रेंड यहां बदला है, कैराना में फिर से आपके उम्मीदवार थोड़ा पिछड़ गए हैं, लगातार जो है ट्रेंड जो है यहां बदलते दिखाई पड़ रहे हैं। तो लोकसभा की 4 सीटों के लिए और विधानसभा की 10 सीटों के लिए वोटों की गिनती का काम जारी है, और जो शुरुआती ट्रेंड आ रहे हैं कैराना पर, जहां पर सबकी नज़रें टिकी हुई है, वहां पर आरएलडी के उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं, और साथ ही साथ नूरपुर में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे इस वक्त बताए जा रहे हैं। केसी पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम मेहमान भी हमारे साथ हैं। केसी पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर अगर कैराना की बात की जाए तो विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार आगे शुरुआती ट्रेंड में, और नूरपुर में भी
यानी जो घेराबंदी आप लोगों ने की थी, कम से कम इस वक्त तो ऐसा लगता है कि वो कामयाब होती दिख रही है। देखिए, जनता, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से ऊब चुकी है, और अभी देखिए जो उपचुनाव है कैराना में, अभी आपके चैनल पर दिखाई रहा, करीब 9000 वोट से विपक्ष का संयुक्त प्रत्याशी आगे है, और यहाँ 4000 करीब वोट से आगे हो गया है नूरपुर में। तो पहला जो ट्रेंड है वो संयुक्त विपक्ष जो है आगे जा रहा है, और ये जान लीजिए आप कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 14 में और 17 में केवल झूठ का सहारा लेकर के जो बढ़त हासिल किया था या बहुमत हासिल किया था, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे देखिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की हैं, और उत्तर प्रदेश अगर सुभाष अधिवंश जी आप लोग झूठ का सहारा बहुत लेते हैं, केसी पांडे जी कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, कहने वाली हम इनको बताएं कि कैसे प्रमाणित सत्य है, 5 साल प्रमाणित तथ्य है, जनता इनसे ऊब गई थी। इनको ही सुनिए, पिछले उत्तर प्रदेश में पिछले 10-15 सालों से इन्हीं लोगों का शासन था, इसके पहले क्या किया इन्होंने उत्तर प्रदेश में, अभी जनता भूली नहीं है कि कैसे डीआईएसपी को जीप पर बैठा कर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आधे घंटे तक शहर में घुमाते रहे। अभी जनता ये भूली नहीं है कि किस तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश को अपने पारिवारिक झगड़े का मंच बना दिया था, सरकार नहीं बना पाया, घर की लड़ाई को स्टेज पर दिखाते थे, इसलिए इनको सरकार में भेजा था जनता ने, और जातिवाद और वंशवाद का जो तांडव चल रहा था पूरे उत्तर प्रदेश में, जनता उससे निराश हो गई थी बुरी तरह से। ये दोबारा कभी सत्ता में आने वाले नहीं है, ये बात इनको इनको बता दीजिए, और इसीलिए ये लोग इकट्ठा हो गए। चलिए कोई नहीं, आपकी बातों पर जनता कितना यकीन करती है, एक बार फिर से आज जो है वो नतीजों के बाद ये साफ हो जाएगा। लगातार जो है ट्रेंड बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, शुरुआती ट्रेंड है, और इसमें विपक्ष को कई जगह बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। We'll be right back.